मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इतने दिनों से मैं आ रहा हूँ, आपको परवाह नहीं है? या कुछ खुदा का खौफ खाओ, मेरा भाई गायब हुआ है, कोई मजाक नहीं है। ओए होए यार साहब को आने में सबर नहीं होता तुमसे। अभी गफूर क्या मामला? सब अच्छा है। झूठ बोलते हैं जी ये। तुम कौन हो? अजी मेरा नाम आलम ताज है जनाब, तला गंकारी अशी। हाँ बोलो क्या काम है भाई? जनाब पिछले एक महीने से मेरा भाई गायब है, मैं उसका पर्चा दर्ज करवाना चाहता हूँ और वालदार साहब मुझे कहते हैं कि दफा हो जाओ इधर से, तुम्हारा पर्चा नहीं कट सकता। अभी गफूर क्या मसला, क्यों नहीं पर्चा कटेगा? सर मैंने इसको कहा है कि साहब को आलम ने तो कट जाएगा तुम्हारा पर्चा, तो ऊपर से रोब दिखाना शुरू कर दिया है, कहता तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, ये है वो, ऐसी बातें करनी शुरू कर दी है सर। गफूर मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। हमारे मुल्क में हर वो शख्स जिसका किसी न किसी अंदाज में कचहरी या थाने के साथ वास्ता पड़ा है, वो इन लोगों के रवैयों से बखूबी वाकिफ है, खासकर हमारी पुलिस में निचले तबके के अहलकार। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है या फिर वो अपनी आदत से मजबूर होकर आम आवाम के साथ ऐसा सलूक करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर इनके रवैये कब ठीक होंगे, ये एक तवील बहस है। बहरहाल सवाल ये है कि अपने भाई की गुमशुदगी की शिकायत लेकर थाने आने वाला आलमदार, क्या उसकी शिकायत सुनी जाएगी, उसका पर्चा दर्ज होगा, पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी, और आलमदार का भाई था कौन और गया कहां? दिखाती नहीं, वो बिल पूरे टाइम पे आ जाता है। और पढ़ के सुनाओ बेटा कितने का है? 150 यूनिट लगा कर भेजे, अंदाजा कर ले कितने का होगा। हमने घर में लूमे लगाई हुई है जो इतना बिल भेज दिया। अल्लाह पूछेगा इन मीटर वालों को, लगता है इन सब की नजरें खराब हो गई। और मैं तो कहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि मीटर चेक करने वालों की आंखों का इलाज कराए, ताकि उन्हें सही यूनिट नजर आए कि कितने चले हैं। वो तो बात की बात है अम्मा, पहले बिल तो जमा करवाएं, पैसों का बंदोबस्त करें कहीं से। सोच रहा हूँ रेडी भेज दूं, तभी जमा हो सकता है। फिर न रेडी बेचेगा तो काम क्या करेगा, फ्रूट टोकरे में रख के बेचेगा। हालात तो ऐसे ही लगते हैं मुझे, तो यही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा। ये लो अम्मा संभाल कर रख लो, जाते हुए अब्बा को दे देना, मैं जा रही स्कूल, रिक्शे वाला आ गया। अब बताओ कहाँ से जमा करवाओगे ये 5,000 रुपया? एडवांस लूंगा आलमगीर से कमरे का किराया, और कहाँ से दूंगा मैं ये बिल? तुम पहले भी ले चुके हो एडवांस, अब नहीं देगा वो? नहीं देगा तो बत्ती कट जाएगी, सभी बैठे रहेंगे अंधेरे और गर्मी में। 1,500 रुपया किराया है, वो दे भी दे तो बाकी कहाँ से लाओगे? दे देगा वो, मुर्गियाँ बेच बेच के बहुत पैसे कमाता है, 2 महीने का किराया। एक बात तो बता ऐसा कब तक चलेगा? क्या मतलब, मैं चोरी करूं डाके डालूं और रेडी लगाता हूं मैं, कारोबार है नहीं। मेरी तो जब से शादी हुई ना ऐसे रोते रोते गुजरे दिन रात, ना ढंग का खाने को ना ढंग का पीने को। इसीलिए लड़की को सिलाई कढ़ाई के स्कूल में डाला है, ताकि सीख ले तो खर्चे में हाथ बटाए मेरा। ये हाथ बटाने वाली बात छोड़, उसकी शादी के बारे में सोच। वो अपने घर की हो जाएगी ना तो मैं भी सुकून से मरूंगी।
इंशाल्लाह जल्दी शादी भी हो जाएगी, फिक्र ना करो। जेंट्स का जो कलर है वो सिर्फ बुकरम से करते हैं, चेपे भी यूज कर सकते हैं। नाप के हिसाब से निशान लगाते हैं, फिर ये देखते हैं कि कपड़े का डिजाइन क्या है, और ये नोट रखना चाहिए कि वो डिजाइन अंदर ना आ जाए कपड़े के। बाजी कितना अर्सा लगेगा ये सब कुछ सीखने में? फीस कितने माह की दी है तुमने? 3 माह की। इसके लिए तो लाजमी है, 3 माह तो लगेंगे सीखने में। क्यों, इससे जल्दी सीखना है तुमने, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी बाजी, 1 महीने में सीख जाऊंगी सब कुछ। सिखा तो मैं दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा, मेरा मतलब है कि सुबह से शाम तक। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगी। इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, अभी कवारी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे आने में मसला होगा। अरे तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। रिश्ते तो बहुत आते हैं मगर इसके अब्बा को पसंद ही नहीं आते, बैठे बैठाए इसकी इतनी उम्र कर दी। चलो छोड़ो, ये उनका जाती मसला, जब उन्हें ठीक लगेगा वो शादी कर देंगे। मुगल साहब का ऑर्डर तैयार कर दो, उसका बंदा आता ही होगा। ठीक है साहब। जल्दी कर मेरा भाई। और भाई साहब गांव की सुनाए, सब खैर खैरियत है ना? हाँ यार, गांव में तो सब ठीक ठाक है। तू सुना, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है पाजी, जो वक्त गुजर जाए। तो वो अपना नसीर नहीं है, उसका बाप फौत हो गया, मैंने सोचा जाके तो दुआ कर आऊं। जब उधर आया तो फिर मुझे ख्याल आया कि तुझसे भी मिलता जाऊं। और बहुत चंगा किया पाजी के आप आ गए, और बहुत देर हो गई मुलाकात नहीं हुई, रात मेरे पास रहना, सुबह चले जाना। ना भी ना, रात मैंने नहीं रहना, तुझे तो पता है कि मुझे शहर में नींद नहीं आती, और वैसे भी हम देहाती बंदे हैं। वालेकुम सलाम। ए पाजी, पा बदरू है वो जिनके घर में मैं कमरा लेके रह रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई है जी, पिंड से आए। माशाल्लाह, बड़ी बैठे पा बैठो। बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे मिलकर, बस एक बात करनी है आपसे। जी जी। ये मेरा छोटा भाई है, शहर में अकेला रहता है, इसका ख्याल रखा करें। आप फिक्र ही ना करें जी, ये समझो ये अपने घर में है। ठीक है, अल्लाह खुश रहे। वो अपना ना आलम भी, एक बात करनी थी आपसे जरा। क्यों नहीं, माफी चाहता हूँ। क्या मालिक मकान अपने किराएदार से पैसों का तकाजा करना चाहता था? अगर यही बात थी तो वो गांव से आए उसके भाई से ये बात क्यों छुपा रहा था? शायद इसकी वजह ये हो कि वो नहीं चाहता था जो बात वो अपने किराएदार से करना चाहता है उसका किसी भी दूसरे शख्स को इल्म हो। लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि एक भाई भला दूसरे भाई से कोई बात कैसे छुपा सकता है, आखिर तो उसे पता चल ही जाएगा। तो क्या कह रहा था तेरा मालक मकान? ओ पाजी, आपको तो पता है उसने क्या कहना होगा। हालात से तो लगता है उसे कुछ पैसों की जरूरत होगी, उधार मांग रहा होगा। बड़ी बात है वैसे भाई साहब, बिल्कुल यही बात थी। तो चलो अच्छा है, बंदे को किसी के साथ नेकी करनी चाहिए। पर एक बात तुझे बता दूं, ये जो उधार है ना, छुरी होती है छुरी। और पर क्या करें भाई साहब, और लेना देना तो चलता ही रहता है ना। तो मुझे तो लगता है कि मुर्गी भी तेरी दुकान से मुफ्त जाती है उसके कारण। वैसे भाई साहब वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, खाना भी उसकी बेटी मेरे लिए पकाती है। तो चल अच्छा, जैसे तेरी मर्जी, बड़ा हूँ ना, समझाना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। ओ इधर अकेला रहता हूँ ना भाई साहब, बस ऐसे ही काम चलता है इधर। तो मेरी मान है तो तू ऐसा कर कि कोई घरवाली ले अब। ओ इस उम्र में भला मेरे साथ कौन ब्याह करेगा? तो ये तूने क्या बात की, अगर घर में दाने हो ना तो रिश्ते बढ़े। शादी जो होना थी वो तो हो गई जवानी में भाई साहब, अब शादी क्या करें। वो बेचारी तो चली गई दुनिया से,
अभी तेरी उम्र ही कितनी है, अब तुझे कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा। चलो आप कहते हैं तो देख लेते हैं, पर एक शर्त है मेरी भाई साहब। और मेरी बात सुनो आलम की, तू मेरे साथ शर्तें ना लगाया कर। तुझे पता है कि बचपन से लेके आज तक तू सारी शर्तें मुझसे हारता रहा। आज रात मेरे पास रह जाओ, और मैंने बदर से भी कह दिया है कि मेरे भाई साहब आज मेरे पास रहेंगे। वैसे एक मशवरा भी करना है आपसे। वो इधर ही मशवरा कर ले, और कर ले जाकर बात करनी जरूरी है क्या? और समझा करो भाई जी, और रिश्ते की बात करनी है ना। ओए अच्छा ऐसी बात है तो ठहर जाता हूँ एक रात, बस अब खुश है? बहुत खुश भाई साहब, आपको तो पता है कि मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। कह रहा था फिर क्या बात कर रही है? कैसे बात करूं, क्या बात करूं उनसे? और अगर बात करनी है तो तुम खुद कर लो। करने को तो मैं कर लूं, पर चाचे बदर से मुझे डर बहुत लगता है, कहीं वो मुझे गलत ना समझ बैठे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही बोल देंगे ना तुम्हें। वो तो ठीक है, चलो कुछ सोचता हूँ फिर देखते हैं क्या करना है। और आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। लगाया कर ये फल फ्रूट, उतने का फल तेरा बिकता नहीं है जितना तू नुकसान कर देता है। औरत नहीं पाजी, लड़की है लड़की, वो पा बदरू की बेटी। पता नहीं क्यों उसका भाई मुझे चोर नजरों से देख रहा था। क्या चोर नजरों से देख रहा था? खाने पक रहे हैं, कोई मेहमान आ रहा है घर में क्या? हाँ बेटा, वो आलमगीर है ना, उसका बड़ा भाई गांव से आया है, आज रात यही रहेगा। तू सालन बना ले, मैं तुझे मसाला पीस के देती हूँ। जल्दी कर ले मेरी बच्ची। अच्छा तो मुर्गी चाचा आलमगीर ने भिजवाई है? उसी ने भिजवाई मुर्गी, तो जल्दी से सालन बना ले, रोटियां बाजार से मंगवा लेंगे। बस मैं यूं खड़ी हुई और समझे खाना तैयार। हाँ ये तो पता है, मेरी बच्ची जल्दी काम कर लेती है। आ गए हो? हाँ जी आ गए। क्या बात है, ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? खैर तो है ना? क्या बताएं निजाम, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ नहीं आता। सारा फल बच गया है, सिर्फ 200 की दिहाड़ी लगी है आज। ना लगाया कर ये फल फ्रूट, उतने का फल तेरा बिकता नहीं है जितना तू नुकसान कर देता है। हाँ यही मैं भी सोच रहा हूँ, कोई और काम कर लूं। वो बिल का क्या की है, कल आखिरी तारीख है, ये तो बत्ती कट जाएगी। वो पैसों का बंदोबस्त हो गया है, वो अल्लाह भला करे, आलमगीर का बहुत अच्छा आदमी है। चल शुक्र है, मुश्किल वक्त में काम तो आया, इसलिए तो इतनी गर्मी में खाना बना रही है मेरी बच्ची उसके भाई के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ मुंह धोकर भी लगता है ऐसे नई जिंदगी मिलती है। ओए आलम, मैं तो कहता हूँ तू भी हाथ मुंह धो ले, बड़ी गर्मी है आज। ओ बात, अकेले आदमी को हाथ मुंह धोने से नई जिंदगी नहीं मिलती। क्या मतलब है तेरा? घर में घर वाली आएगी तो नई जिंदगी मिलेगी ना, अब दिमाग में बात डाल दी है तुमने। मुझे दिखा तो सही कौन औरत है वो, कोई आने तो नहीं रख लिया मुझे इधर? औरत नहीं पाजी, लड़की है लड़की, वो पा बदरू की बेटी।
अच्छा भाई, देखूंगा तो बात बनेगी ना, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और बाप की जगह हूँ तेरे। चलो मैं पाप बद्रू से बात करता हूँ कि आज का खाना उसी के घर खाएंगे सब मिलके, देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, बात करके तू देख ले, पर अगर उसने खाना इधर ही भिजवा दिया तो फिर क्या करेगा तू? और फिर क्या पाजी, सुबह दिखा दूंगा, स्कूल जाती है सिलाई वाले उस वक्त। भाई जैसे तेरी मर्जी है वैसे ही कर ले तू। मैं देखता हूँ पाजी। अकेले हो तो अकेले ही खाते रहते हो ना, आज आ जाओ भाई साहब को लेके हमारे घर। अच्छा जैसे भाभी की मर्जी, वैसे यहाँ भी ठीक ही था। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो कौन था भाई? ओ भाई जी, आपकी बात सुनी गई, पाप बद्रू आया था, वो कह रहा था आप और आपके भाई साहब आज का खाना मेरे घर पे खाएंगे। चलो भी, इसको कहते हैं अल्लाह की करनी, मुझे उम्मीद है कि तेरा काम इधर बन जाएगा। खुदा आपकी जबान मुबारक करे भाई साहब। आलमगीर को अपने मालिक मकान से कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ी क्योंकि उसने उन्हें खुद ही दावत पर घर बुला लिया था। अब ये कुदरत उसकी मदद कर रही थी ताकि वो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर ले, या फिर ये सब कुछ महज इत्तफाकन हो रहा था। वैसे भी ये अभी पहला मरहला था, आगे क्या होने वाला था? क्या आलमगीर अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी करने में कामयाब हो जाएगा, खासतौर पर एक ऐसी लड़की जो उसे चचा कहती है। साहब आप ये समझे कि ये मेरा अपना कार है, ये भाभी हमीदा है और ये फरीदा है इनकी बेटी। बड़ी अच्छी बात है, मिलजुल कर रहने में ही बरकत है। असल में ना आलमगीर साहब हैं ही इतने अच्छे कि हमारी इनसे दोस्ती हो गई है। और बस यही मामला कुछ मेरे साथ भी है भाई साहब, जब से मैं इनके घर में आया हूँ कहीं और जाने को दिल ही नहीं करता। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, अब तुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत है? हाँ। मैं तो कहता हूँ इधर ही टिके रहो। भाई साहब मेरा मतलब है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो भाई साहब दिल को दिल से राह होती है। पहले मैं इसे कहा करता था कि तू गांव वापस आ जा, इधर अकेला पड़ा रहता है, लेकिन अब लगता है कि ये इधर ही ठीक है। भाई साहब खाना ठंडा हो जाएगा, शुरू करें ना, बातें तो होती रहेंगी। आप ले ना खाना, शुरू करें। वो जी फरीदा बेटे को भी तो बुलाए ना, वो भी हमारे साथ बैठ के खाना खाती तो बहुत अच्छा लगता। वो आ जाएगी, आप शुरू करें, वो पानी लेने गई थी। चलिए बिस्मिल्लाह करें। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ कपिल आ गया रिक्शा लेने। फरीदा बेटा बात तो सुन जी, ये तूने कटाई का सिलाई का काम सीखा भी ना कुछ नहीं? अम्मा वो सब तो मैं कर लेती हूँ, आजकल मैं डिजाइनिंग सीख रही हूँ। चल ठीक है, जल्दी सीख ले, मैं आलमगीर भाई से कह के ना तुझे मशीन ले दूंगी। अम्मा हर काम चाचा आलमगीर पर मत डाला करें, वो क्या कहेंगे? क्या कहने है, उधारी मांग रहे है ना, जो पैसे आएंगे वापस कर देंगे उसे। कोई छोटी मोटी कमेटी डाल लेते तो गुजारा हो जाता ना। छोड़ भी, तू मुझ पे छोड़ दे, मैं कर लूंगी सब। हाँ अच्छा मैं जा रही हूँ। चल खैर से जा और जल्दी आना। आलमगीर सच पूछे तो मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, तू कहे तो बात करूं? ऐसे नहीं बाजी, मैं जरा हल्के फुल्के तरीके से उनसे बात करके देखता हूँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे इधर तेरी बात बन जाए। बस आप दुआ करें भाई साहब, बाकी मालिक को जो मंजूर होगा वही होगा। चल तू ऐसा कर, मुझे बस में चढ़ा दे, और 3 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। ओ पाजी,
चले जाना। मैंने रिक्शे वाले को बुलाया, अभी आता ही होगा। वो कोई खास रिक्शे वाला बुलाया तूने मेरे लिए? ओ पाजी, दो गलियां छोड़ के वो यहाँ रहता है, और मुझे कभी जरूरत हो, कहीं आना जाना हो तो वो आ जाता है, ले जाता है मुझे। चल ठीक है यार, तुझे तो पता है कि अंधेरा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और लूट लेते हैं रास्ते में। वो अल्लाह मालिक है पाजी, वो 10-15 मिनट में अभी आ जाएगा। वो फरीदा को स्कूल लेकर जाता है सिलाई वाले। चलो ये तो अच्छी बात है, वो सिलाई कढ़ाई सीख रही है। हाँ भाई साहब, उसके बाप ने उसको स्कूल में डाल दिया, वो कहता है कि उसका हाथ बटाएगी वो। वैसे एक बात है आलमगीर, मुझे ये जो लड़की का बाप है ना, पता नहीं क्यों लालची सा लगता है। बात कुछ ऐसी है भाई साहब, कमाता जो नहीं है। चलो ये बात वैसे तेरे हक में जाती है, मुझे लगता है कि वो लड़की तेरा घर संभाल लेगी। देर की हो गई, सवारी इंतजार कर रही होगी। ऐसी कौन सी सवारी है, कोई खास तो नहीं है ना? खास क्यों होनी है, तुम्हारे किराएदार है ना, उनके भाई को बस स्टॉप तक छोड़ना होता है। अच्छा, उनको जरा टाइम पे पहुंचा देना, वरना चाचा आलमगीर मुर्गी महंगी देंगे तुम्हें। क्या करे, मल्लेदारी है ना। कल रात का खाना उन्होंने हमारे घर ही खाया था, पता नहीं क्यों उसका भाई मुझे चोर नजरों से देख रहा था। क्या चोर नजरों से देख रहा था, उसकी हिम्मत कैसे? एक जानिब आलमगीर फरीदा को अपने घर लाने के ख्वाब देख रहा था, और दूसरी जानिब कफील उसे अपना शरीके हयात बनाना चाहता था। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन फरीदा के साथ शादी करने में कामयाब होगा, और अगर यही बात फरीदा से पूछी जाए कि वो इन दोनों में से किसका इंतखाब करना चाहती है, तो फरीदा किसे चुनेगी? ये सवाल बड़ा अहम है। अपने से काफी बड़ी उम्र के पैसे वाले शख्स को, या फिर अपने बराबर की उम्र वाले एक गरीब रिक्शा ड्राइवर कफील को? मैं फरीदा से शादी करना चाहता हूँ। फरीदा से शादी करना चाहता हूँ? मेरा रिश्ता कहाँ से आया, किसकी तरफ से आया? यार वो तुम्हें पता है आलमगीर के मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो फरीदा के लिए जेवर वगैरह लेना है। धमकियां दे रही है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शादी नहीं करेगी मेरे साथ बस? बदरू, क्या हो रहा है? ओ यार क्या हो रहा है, खुदा ने देन मंडी वालों को बर्बाद कर दिया, उन्होंने ग्राहक को भी और बेचने वालों को भी। ओ क्यों, सब खैरियत है? यार रोज फ्रूट का भाव बढ़ा देते हैं। देख अब ये आम पाकिस्तान में पैदा होता है ना, लेकिन इसको कोई गरीब आदमी खा नहीं सकता। और क्यों, मंडी वालों ने खाने से रोका है क्या? ओ यार रेट बनाने का मकसद यही है ना कि गरीब आदमी ना खा सके इसे। हाँ ये तो है। वो भाई बदरू, मैं आपसे एक बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा ख्याल है कि मैं अब आपका किराएदार ही नहीं बल्कि दोस्त भी हूँ। यार इसमें कोई शक है? मैं इस दोस्ती को पक्का करना चाहता हूँ। देखो मैं जो बात करने लगा हूँ उसे गलत मत लेना। यार नहीं लेता गलत, बोलो क्या बात है? मैं फरीदा से शादी करना चाहता हूँ। फरीदा से शादी करना चाहता? हाँ बदरू, देखो ना ये सब कुछ मेरा उसी का ही होगा, वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, पर आप घर वालों से मशवरा कर लें, फरीदा से भी पूछ लो, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। चलो देखते हैं, मैं घर वालों से मशवरा करता हूँ। देखो भाई साहब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी बीवी को फौत हुए 10 साल हो गए,
और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। वो तो सब ठीक है, पर मैंने आज तक आपसे कोई चीज नहीं छुपाई। देखो ना बाबा, मेरी पेंशन भी आती है, कारोबार भी है। ठीक है, मैं घर वालों से मशवरा करके फिर तुम्हें बताता हूँ। अले बालना बना क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं होता अम्मा। निदा, वो एक बात करनी थी तुमसे और फरीदा से। देखना जो भी बात है ना, सोच समझ के करना। अब्बा कहीं मुझे सिलाई स्कूल से उठाने की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई और बात है। आए है, बता भी दे, पहेलियां क्यों बजवा रहा है तू? वो नाम फरीदा का रिश्ता है। रिश्ता? मेरा रिश्ता कहाँ से आया, किसकी तरफ से आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाँ कर दूं? कहा है ना कर दे हाँ। क्यों फरीदा? देख लो अम्मा, तुम कह रही हो तो हाँ कर रही। जी तेरे बेटा। बाकी जो बातें तूने मुझसे की है ना, मैं उससे कर रही। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलमगीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फरीदा और उसकी माँ इसके लिए मान गई है। वाकई? ओ बहुत बहुत मेहरबानी पा बद्रो, बहुत बहुत मेहरबानी। देखना यार हटी में तो पा बद्रो, अब आप मुझे ये बताएं कि तैयारी क्या करनी है मैंने? यार वो तुम्हें पता है आलमगीर के मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो फरीदा के लिए जेवर वगैरह लेना है। ओ कोई बात नहीं है पा बद्रो, आप मुझे बता दे कितने पैसे मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कल दोनों साथ चलेंगे, आप खुद खरीद के ले। जैसे तुम्हारी मर्जी बाबर, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगाता हूँ। बदर की बीवी और बेटी इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए? उन्होंने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी? अपनी बहुत कम उम्र की लड़की का उससे काफी ज्यादा उम्र के आदमी के साथ रिश्ता तय करने के लिए उन्होंने काफी शरारत रखी, जो आलमगीर ने फौरन मान ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ये खुशखबरी फौरी तौर पर अपने भाई को दी, लेकिन क्या उसकी अपने भाई के साथ ये गुफ्तगु उसकी आखिरी गुफ्तगु होगी? अब से एक महीना पहले जनाब उस रोज उसके साथ मेरी आखिरी मरतबा फोन पे बात हुई थी। फिर ना उसने फोन किया और ना तुमने उसका पता किया? हाँ जनाब, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। मैंने उसके घर पर और दुकान पर जाकर पता किया था, लेकिन दोनों जगहों पे ताला लगा हुआ था। उसके मालिक मकान से पता किया? हाँ जी, मालिक मकान से पूछा था मैंने, वो कह रहे हैं जी कि हमें क्या पता कहाँ चला गया। गफूर, पहले पर्चा दर्ज करना या मालिक मकान को पकड़ना है, जो भी करना है जल्दी कर लो। सर जी, मेरा ख्याल है कि पहले उसको पर्चे में नामजद करते हैं, बाद में उसको पकड़ लेंगे। लेकिन थानेदार साहब, उसको पर्चे में नामजद करने से या गिरफ्तार करने से क्या फायदा? वो तो अभी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने के लिए तैयार है। जितनी कहानी तुमने सुनाई है उसकी रोशनी में इसका शामिल तफ्तीश होना बहुत जरूरी है। सफेद पोश है, सिर्फ ज़ाहरी सफेद पोश है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो अंदर से खोटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। Thank you.
आने चला जाता हूँ आपके घर। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, यहाँ लोग ऐसे खाम खा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, थाने बात आराम से हो जाएगी। ठीक है ठीक है, आ जाओ छोटे, ऐसा करना यार, अगर कोई डाक वगैरह आ जाए ना तो उसको छाता दे देना। अच्छा मैं जरा थाने से होके आता हूँ। ठीक है, कफील बेटा थाने जाके ना बदर का पता कर, दोपहर से पुलिस के साथ गया अभी तक नहीं आया। चाची पुलिस तो पुलिस होती है, जिसे चाहे ले जाए जिसे चाहे पकड़ ले। बात है ना मना, नहीं तो पता है ना तुझे। धमकियां दे रही है क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शादी नहीं करेगी मेरे साथ बस। अब तुम लोग आपस में लड़ते मरते रहोगे ये जाके पता भी करोगे। चाची अभी रात बहुत है, किसी तरीके से रात गुजार लो, सुबह सुबह तीनों चलेंगे। तीनों? तुझे अकेले जाते हुए मौत आती है क्या? बड़ा शरीफ आदमी है ना ये, डर लगता है इसको पुलिस से थाने से, ऐसा ही है ना। बोल जो भी समझ लो, पर मैं थाने अकेला नहीं जाऊंगा। चलो फरीदा सुबह तीनों चलेंगे, जो होगा देख लेंगे। ठीक है दादी, सुबह जो है ना मैं आ जाऊंगा रक्षा लेके। जब तक हकीकत नहीं बताएगा तेरी जान नहीं छूटेगी। सच सच बता दे आलमगीर को कहां गायब कर रखा है। ये इंतजार कौन है? कफील का जानने वाला है। और ये कफील कौन है? वो एक रिक्शा वाला है जी, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। इसका मतलब कि कफील भी तेरे साथ शामिल है। तेरे पर क्यों लगेंगे? हमने उसे खाने में नशा देकर कत्ल कर दिया, कड़ा घोट कर वही दबा दिया। जब बेटी का रिश्ता दे दिया था तो फिर उसे कत्ल क्यों किया? वही मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सोचा उसकी औरत और उसकी दुकान पे कब्जा कर ली, क्योंकि मेरी बेटी कफील से जाने करना चाहती। लाश बरामद करवाओगे? हाँ जी करवाओगे। वफूस जी सर, जल्दी से गाड़ी का बंदोबस्त करो, अभी निकलना है, और सुबह तक इसके घर वालों को भी गिरफ्तार करना है। पुलिस ने इंतजार के डेरे से आलमगीर की लाश बरामद कर ली, साथ ही दीगर मुलजिमान की मुआविनत करने के इल्जाम में उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अगले रोज जब बदर के घर वाले रिक्शा ड्राइवर कफील के साथ बदर का पता करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी धर लिया। यूं इस केस के तमाम मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन इस केस से मुतल्लिक अभी एक चीज का तायुन होना बाकी है, और वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अपने से कम उम्र लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद आलमगीर, या फिर फरीदा और उसके माँ बाप, या फरीदा के साथ दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद शख्स रिक्शा ड्राइवर कफील, या फिर चंद पैसों की खातिर उसका साथ देने वाला डेरे का मालिक इंतजार। असल गुनहगार कौन है इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलें, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें, हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।